हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपर्ट लर्निंग एट द रेट ऑफ एनसीईआरटी कैरियर गाइडेंस फॉलोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शो. स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, टुडे आई एम स्टार्टिंग द न्यू प्रोग्राम दैट इज इंग्लिश लर्निंग प्रोग्राम, जो आपके लिए लेके आया है इंग्लिश सीखने के लिए घर बैठे ऑनलाइन क्लास, जो कि आप सभी देखने वालों के लिए फायदेमंद होने वाला है. ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि वे सभी भारतीय या देखने वाले सभी व्यूअर्स जो अंग्रेजी के प्रति जिनकी रुचि है, जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए लेकर हम आए हैं. आज से डेली प्रतिदिन हम अंग्रेजी की कक्षाएं आयोजित करेंगे. आप घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस देखते रहें, सीखते रहें और जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते रहें, ताकि हमारे विभिन्न तरह की जो कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं इस चैनल पे, वो सबको फ़ायदा देता रहे. हमारी इस मेहनत का आप सबके लिए रंगत लाता रहे ये मेहनत, और आप सभी कुछ सीखते रहें. बस हमारा प्रयास यही जारी है कि देश में हम कुछ अच्छा कर सकें, घर बैठे सभी के लिए कुछ नया सिखा सकें, बता सकें. इसी के साथ चलिए शुरुआत करते हैं आज के इंग्लिश लर्निंग प्रोग्राम पर. जो कि हमारा ये इंग्लिश लर्निंग प्रोग्राम है, आज का जो वीडियो होगा वो इंट्रोडक्शन होगा. आज हम आपको समरी बताएंगे कि हम इस पूरे प्रोग्राम में आपको कहाँ तक लेके जाएंगे, क्या क्या बताएंगे, क्या क्या पढ़ाएंगे, वो अभी हम आपको बता रहे हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट मी स्टार्ट द टुडेज़ टॉपिक इंग्लिश लर्निंग प्रोग्राम इंट्रोडक्शन क्लास. डियर लर्नर्स, अंग्रेजी भाषा हिंदी से काफ़ी सरल है. आप शुरुआत तो कीजिए, हम सिखाएंगे. तो चलते हैं आज के इस डगर पे, अंग्रेजी सीखने के प्रोग्राम पे. तो डियर लर्नर्स, टुडे वी विल have some introduction on the whole program, what we are going to learn in our the complete schedule. So daily we will have some vocabulary, जिसमें हम आपको daily 10 अंग्रेजी के शब्द, English words सिखाएंगे, उन्हें एक्सप्लेन करेंगे, प्लस आपको टास्क देंगे कि आप उन्हें डेली नोट करें और उन्हें याद करें. क्योंकि आप सबके लिए पहली इम्पोर्टेंट, सबसे पहला इम्पोर्टेंट यह बात है कि आप सबको जो वोकैबुलरी है ये सबको पता होना चाहिए. हमारे डेली लाइफ में अंग्रेजी में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हमें अंग्रेजी के शब्द ही मालूम नहीं होते. तो हम आपको बताएंगे कि शब्दों को कैसे याद रखना है, शब्द कैसे आप डेली याद कर पाएंगे, उन्हें प्रयोग कैसे कर पाएंगे, डेली लाइफ में उनका एप्लीकेशन क्या होगा, कहाँ पे आप उन्हें यूज कर पाएंगे और कैसे आप याद करेंगे, सारा चीज़ हम डिस्कस करेंगे. पहले अपने इस प्रोग्राम का पहला हेडिंग है, आपका पहला पॉइंट है डेली वोकैबुलरी, जिसमें हम डेली 10 वोकैबुलरी आपको देंगे, जिसमें आपको तैयार करना है, हम साथ साथ आपको बताएंगे भी. दूसरा हमारा काम होगा इंग्लिश ग्रामर सेक्शन को मजबूत करना, जिसमें हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएंगे. पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेंक्शन, ये सारी हम आपको डेली एक एक क्लास में एक्सप्लेन करेंगे. उसके बाद ये पता हो जाएगा अगर आपको, तो फिर आपको टेंस आने लगेगा, हम टेंस बताएंगे. टेंस जब आने लगेगा तो वॉइस, नरेशंस एंड क्वेश्चन टैग्स, ये सारी चीज़ें सीखेंगे. फिर सब्जेक्ट, कर्ता, वर्ब एग्रीमेंट्स एंड सेंटैक्स, ये सारी चीज़ें हम बारी बारी से सीखेंगे इस पूरे होल इंग्लिश लर्निंग प्रोग्राम में. ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, इंग्लिश के बारे में हम पूरा ऑब्जेक्टिव इंग्लिश सीखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और ऐसे इंग्लिश सीखेंगे जो आपको छोटे छोटे एग्जाम से लेकर के आपके IAS तक के एग्जाम में काम आएंगे. इसलिए आप ये ना सोचिए कि ये अंग्रेजी हमें किस लिए सीखना है. हर व्यक्ति को अंग्रेजी सीखना है, क्योंकि आपको अगर छोटी सी भी जॉब चाहिए तो आपको हर जगह अंग्रेजी काम आने वाली है.
और चौथा पॉइंट होगा हमारा स्किल्स डेवलप करेंगे हम कि इंग्लिश लिखेंगे कैसे, इंग्लिश को डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो होती है उन्हें कैसे हम सीखेंगे, और स्पीकिंग इंग्लिश स्किल क्या होगी वो स्किल्स के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, पांचवा पॉइंट होगा हमारा स्पोकन क्लास, स्पोकन क्लासेस और स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे ऑनलाइन घर बैठे हम सब मिल करके, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें ताकि आपको सीखने में हमें सिखाने में भी मज़ा आता रहे। छठवां पॉइंट होगा हमारा सिक्स पॉइंट ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश सीखेंगे एंड इंग्लिश टू हिंदी सीखेंगे हम, इसलिए भी थोड़ा अपना लोकल लैंग्वेज भाषा थोड़ी सी हम मतलब ऐसे यूज कर रहे हैं ताकि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के भी स्टूडेंट्स हैं लर्नर्स हैं उन्हें भी इसकी मदद मिल सके। हमें अपने ग्रामीण क्षेत्र की दुर्दशा को देखकर बड़ा दर्द होता है, इन्हीं सब को देखते हुए हम ये हमेशा सीखते हैं कि सोचते हैं कि कुछ ना कुछ हम उन्हें बताएं सिखाएं ताकि उनका इम्प्रूवमेंट हो सके। छठवां पॉइंट ट्रांसलेशन हो गया। सातवें पॉइंट में हम मॉडल्स के बारे में सीखेंगे, आर्टिकल्स का यूज सीखेंगे, डिटर्मिनेटर्स जो होते हैं हमारे पास वो सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद आठवां पॉइंट होगा जो भी डाउट्स आपके पास होंगे इंग्लिश रिलेटेड रिलेटेड टू दिस होल इंग्लिश लर्निंग प्रोग्राम हम आपको क्लियर करेंगे, बस आपको कमेंट में बताना होगा कि ये चीज़ें हमें जाननी है। अगर आपके स्पेशल डिमांड पे भी क्लास चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद हम एग्जाम्पल्स करेंगे बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के, इसके साथ ही और भी आपके जो डिमांड होंगे अंग्रेजी में जो जो सीखने का आपका इच्छाएं होंगी, वॉट एवर यू वुड लाइक टू लर्न आई विल बी देयर टू टीच यू, आई विल बी देयर टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस इंग्लिश लर्निंग प्रोग्राम एंड द डाउट्स इन योर माइंड। सो लेट्स बिगिन, टुडे विल हैव सम वोकेबुलरी सम वर्ड्स जिन्हें हम याद करेंगे। ठीक है, पहले जो टॉपिक है उस पर पहले हम शुरुआत करेंगे आज, कल से हम 10 से 15 मिनट का इससे वोकेबुलरी का क्लास लेंगे, डेली हम स्टार्ट करेंगे। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हम डेली 10 ये शब्द बताएंगे अंग्रेजी के इन्हें 100% याद करें, और हम ऐसे तरीके बताएंगे जिन्हें आप बिना याद किए हुए भी आपके नज़रों के सामने से इतने सारे शब्द याद हो जाएंगे कि आप सोचते रह जाएंगे। तो अभी हम ये करेंगे, इसके बाद कल से हम थोड़ा सा ग्रामर स्टार्ट करेंगे, ग्रामर एंड सेम वेज इसको भी साथ में लेके चलेंगे, 10 मीनिंग्स प्लस ग्रामर इस पैरेलल हम लेके चलेंगे, वोकैबुलरी भी रहेगी और आपके लिए ग्रामर भी रहेगा जो हमेशा काम आता है हर क्लास, कोई क्लास ये ना सिर्फ सोचे कि हम ये कौन सी क्लास के लिए पढ़ेंगे, ये ऑल क्लासेस और मैंडेटरी टू लर्न दीज थिंग्स, दीज आर द बेसिक इंग्लिश एंड एवरीबडी रिक्वायर टू लर्न इट। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज वोकैबुलरी पार्ट, वी विल हैव 10 वर्ड्स टुडे एंड वी विल ट्राई टू रिमेंबर देम द होल डे, एंड वॉट एवर डाउट इज देयर यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स एंड tomorrow I will clarify them. Okay, so let us start the vocabulary part of the day. So dear learner, please maintain a diary or notebook and try to write it this in this manner, these words. And daily wise we will have the series like vocab first, vocab 2, vocab 3. So the date will be starting from today, the series, the first series, the vocabulary part first will be like this and in this manner, like write the word and this its meaning in English and meaning in Hindi and synonyms and antonyms, after that the use example of this word we will learn in this way. And let me start the first word. So aaj ke baad hum is tarah ka ek dhancha banayenge meaning seekhne ka, angrezi ke meanings, जो अंग्रेजी शब्द होंगे उनके हम मीनिंग निकालते हैं वोकैबुलरी में, जो लर्नर हमारे ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हैं जिनको अंग्रेजी बहुत ही कम आती है और तो बिल्कुल नहीं आती, वो लोग भी शुरू करें हमारे साथ। इसमें कोई बेसिक, कोई ऐसा चीज़, कोई ग्रामर नहीं चाहिए जिसमें आपको सीखने के लिए बेसिक सीखना होगा, तब ये सीखना पड़ेगा वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको जितने वोकैबुलरी हम डेली बताते हैं उनको नोट करिए, उनका प्रैक्टिस करिए, जो हम एप्लीकेशंस बताते हैं इनके एग्जांपल्स बताते हैं, अपने अपने अलग से एग्जांपल्स बना के इनका प्रयोग करिए, तो आप एक दिन ऐसा आएगा कि अंग्रेजी के शब्दों के मास्टर जरूर बन जाएंगे, और शब्दों के मास्टर अगर आप बन गए तो अंग्रेजी फिर आपके लिए कुछ नहीं है। मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे
जो इंग्लिश मीडियम में ग्रेजुएशन तक कर लेते हैं लेकिन अंग्रेजी में आज भी वे वीक रहते हैं। किसी भी एग्जाम में अगर इंग्लिश आ गई तो फिर पहले डरने लगते हैं कि इंग्लिश का पेपर मेरा ये हो गया वो हो गया। मैंने बहुत सारे रोते हुए बच्चों को देखा है, इसलिए मैंने सोचा कि आप सबके लिए अंग्रेजी के पहले वोकैबुलरी से ही स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा वोकैबुलरी का फर्स्ट सीरीज है, पहला वर्ड है म्यूटिलेशन। म्यूटिलेशन डे लर्नर, द फर्स्ट इज म्यूटिलेशन। इसका मीनिंग क्या है, पढ़ना आना चाहिए पहली बात। पहले मैं पढ़ना बता दूँ, जिन बच्चों को बड़े बड़े शब्द को पढ़ने में दिक्कत होती है अंग्रेजी में, उनको आप अलग अलग करके पढ़ें। म्यूटिलेशन लाइक दिस, प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए आपको। उसके बाद हमने ब्रैकेट में जो लिख रखा है, आप सोच रहे हैं ये क्या है, जो नए छात्र हैं नए लर्नर्स हैं जिन्हें नहीं पता अंग्रेजी के बारे में, बहुत कम पता है उनकी बात कर रहा हूँ। जिन्हें आता है वो तो हमारे मास्टर हैं, उनके लिए क्या कहने। तो जो ब्रैकेट में हमने ये लिखा है, डिनोट किया है, उसका कोई मतलब और नहीं है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के आपके जो आठ होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन एंड इंटरजंक्शन, तो उन्हीं आठ में से पूरे शब्द आपके अंग्रेजी में जितने भी शब्द मिलेंगे आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है कि आपको पूरी अंग्रेजी में जितने भी वर्ड देखने को मिलेंगे जहां भी, चाहे न्यूज़पेपर हो चाहे किताब हो, आपको इन्हीं तरह के केवल आठ जो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं, यानी जो भी स्पीच है आपकी, जो भी अंग्रेजी है उसके कितने तरह के शब्द होते हैं, तो वहां पे आपको आठ तरह के शब्द मिलते हैं। तो उन आठ तरह के शब्दों में से पहला है नाउन। अब हम यहाँ प्रकार नहीं बता रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, बल्कि इस शब्द का बता रहे हैं, ये जो शब्द है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के कौन से उसमें आता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन में आता है, ये नाउन है ये म्यूटिलेशन। नाउन क्या होता है हम सब पढ़ेंगे, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, हमने बताया आपको इंट्रोडक्शन में, होल सिलेबस बताया क्या क्या पढ़ाएंगे, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब चलेंगे तो नाउन को एकदम विस्तार से समझेंगे, एक एक लाइन समझेंगे, एक एक शब्द समझेंगे नाउन में। तो इस तरह से ये म्यूटिलेशन का मतलब है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिसमेंबरिंग। अब कुछ हमारे गांव क्षेत्र के बच्चे होंगे, वो कह रहे होंगे कि भाई अंग्रेजी को फिर से अंग्रेजी में क्यों सीखें, तो अंग्रेजी से अंग्रेजी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप आगे चल के पढ़ाई करेंगे तो इंग्लिश में ही पूरी चीज़ें पढ़नी होगी। तो वहाँ जो बड़ा शब्द होगा उसका हमें डिफिनेशन आना चाहिए इंग्लिश में, हम जिनको डिफिनेशन इंग्लिश में आती है उनकी अंग्रेजी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो यह है डिसमेंबरिंग या डैमेज। आप हिंदी में बोलें तो विकृति, अशुद्धि, अशुद्ध या कुरूपता। किसी कोई व्यक्ति कहते हैं ना विकृत चित्त का व्यक्ति है, मीन्स समझ रहे होंगे आपकी म्यूटिलेशन मतलब होता है किसी की विकृति होगी, किसी को कोई बेकार हो गया, मतलब पागल टाइप का हो गया, लेकिन पागल का नहीं है मीनिंग यहाँ पे, लेकिन विकृति कह सकते हैं, ठीक है। कुरूपता कह सकते हैं आप, कुरूपता डैमेज हो गया उसका जो बॉडी है पूरा विकृत हो गया, छिन्न भिन्न हो गई, टूट फूट हो गया, तो इस तरह का इसका अर्थ है म्यूटिलेशन का। इसका सिनोनिम्स क्या होता है, आप हिंदी भाषी सभी जानते होंगे, पर्यायवाची पढ़ते हैं आप, समानार्थी। तो समानार्थी जो शब्द होते हैं इनके, इसी के समान मतलब इसके और क्या समानार्थी हो सकते हैं अंग्रेजी में, उनके बारे में हम यहाँ लिख दिया है कि कम से कम एक तो जरूरी याद करिए, वैसे तो बहुत सारे होते हैं। तो हम यहाँ पे दो शब्द लिखे हैं, एम्प्यूटेट एंड डिस्टॉर्ट। एम्प्यूटेट को याद करिए कि म्यूटिलेशन का सिनोनिम्स है, समान आर्थी जिसको बोलते हैं समानार्थी। तो ये समानार्थी है इसका, एम्प्यूटेट जिसका मतलब होता है कुरूपता या विकृति, ठीक है। डिस्टोर्ट बोलते हैं मतलब डिस्टर्ब आदमी, डिस्टर्ब टाइप का, मतलब कि खराब हो चुका है। तो इस तरह से इसका होता है इसके सिनोनिम्स। इसके बाद इसका एंटोनिम्स है ब्यूटीफाई एंड डेकोरेट, जस्ट इसका उल्टा जो हमने अभी तक पढ़ा उसका उल्टा हो जाता है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब होता है विलोम हिंदी में, जिसका मतलब होगा विपरीत शब्द। तो इसके विपरीत क्योंकि बहुत जरूरी होता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा कंपटीशन की, हर एग्जाम में सिनोनिम्स एंटोनिम्स का अंग्रेजी में मेन रोल यही रहता है। तो हम चाहते हैं कि आपका ये पोर्शन इतना स्ट्रांग हो जाए कि आप कोई भी एग्जाम देने जाएं जब अंग्रेजी का, तो कहीं पर ऐसा ना लगे कि हमको इसका एंटोनिम नहीं आ रहा है। तो एंटोनिम्स आप यहाँ पे सीख जाएंगे, हमारे साथ लगे रहिए वोकैबुलरी पार्ट वन सीरीज वन के साथ। अभी हम जैसा कि हमने प्लान किया है कि 10 वर्ड डेली हम सीखेंगे, ठीक है। तो अब इसमें हमने यहाँ तक देख लिया, अब एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल, हर मॉम हैड बीन म्यूटिलेटेड व्हाइल सिटिंग एट होम ड्यूरिंग लॉकडाउन। समझ रहे होंगे इसका मतलब, उसकी मम्मी हैड बीन म्यूटिलेटेड, क्या हो गई, विकृति हो गई, मतलब अपने आप को उसकी मम्मी विकृत हो गई, थक गई, बेकार हो गई इस लॉकडाउन में, बाई सिटिंग एट होम, घर पे बैठे बैठे विकृति हो गई, पागल टाइप की हो गई ड्यूरिंग लॉकडाउन। अभी लॉकडाउन चल रहा है,
फ्रेंड्स आपको पता है लॉकडाउन क्यों चल रहा है, कब से चल रहा है, कब तक चलेगा, तो ये तो कोई नहीं जानता। तो हम बात कर रहे हैं आज के वोकैबुलरी की। तो पहला वर्ड हो गया सबको, किसी को कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा कि म्यूटिलेशन में अभी आपको और क्या जानना है, और एग्जांपल आप अपने साथ बनाते रहिएगा, आप सीखते रहिएगा, ठीक है। दूसरा शब्द है प्रूडेंट, 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 ये क्या है भाई साहब, ये है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, अभी मैंने बताया था कि जितने भी शब्द हम बताएंगे वो आठ तरह के ही होते हैं, आठ प्रकार हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, आठ तरह के होते हैं, जिसमें से ये एडजेक्टिव है। नाउन प्रोनाउन वर्ब के बाद आता है एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव है, यानी कि किसी की विशेषता बताता है ये शब्द। ये था नाउन, यानी कि नाउन क्या होता है, किसी का नाम, पहचान, जगह, शहर, कोई भी चीज़ जो नाम से परिचय से जाना जाए नाम होता है, तो ये नाउन था, ये है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है जिसका इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं और क्या हो सकता है, तो स्मार्ट, सब सुनते होंगे जब नहीं पढ़ा लिखा है वही बोलता रहा तो बड़ा स्मार्ट बन रहा है, तो इसी तरह के शब्द, मतलब प्रूडेंट। बट आपको हमेशा, आप लोग के लिए एक ट्रिक बता दूं कि जब भी आपको इंग्लिश इतना स्ट्रांग करना है तो कोशिश करिए कि आपके जो हार्डेस्ट वर्ड होते हैं, मतलब सबसे कठिन वाले वर्ड होते हैं, वही यूज करिए आप। तो एक तो ये भी होगा सामने वाला जगह कितना इसको हार्ड, मतलब कितना अंग्रेजी आ रही है, और दूसरा आपका इंग्लिश भी मजबूत होगा। सामने वाले को दिखाने के लिए पढ़ाई नहीं कीजिएगा, अपने दिल से पूछ के अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाई कीजिएगा। दूसरा है इंग्लिश मीनिंग क्लेवर, तो अब इनका हिंदी समझ रहे हो, बड़ा ईजी है। चतुर, विवेकी, मनीषी, मतलब कि जो दिमाग से तेज होते हैं लोग, चतुर होते हैं, बड़े चलाक टाइप के होते हैं, ठीक है, अपने हर तरह से स्मार्ट होते हैं, कि हम अपने करियर को लेके हो, चाहे वो अपनी लाइफ को लेके हो, चाहे वो अपने परिवार को लेके हो, के हो, वो हमेशा जो है स्मार्टनेस, क्लेवर के साथ काम करते हैं। तो इसका सिनोनिम और इसका समानार्थी शब्द क्या हो सकते हैं, तो ये है केयरफुल, कॉशियस। कॉशियस मतलब होता है कि हमेशा सतर्क रहे, चलाक रहे, हमेशा चलाके से काम करे, तो ये शब्द हो गए आपके प्रूडेंट के समानार्थी। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे भाई साहब, तो एंटोनिम मतलब कि इसका उल्टा शब्द, विपरीत शब्द क्या होगा, तो विपरीत शब्द हमने यहाँ लिख रखा हैस्टी, फूल, हैस्टी मतलब उसका उल्टा, आप अभी चलाक थे, होशियार थे, हैस्टी मतलब एकदम से गया गुजरा, मतलब कि बेकार, ठीक है, इसका जस्ट उल्टा है स्मार्ट, उल्टा स्मार्ट है, डल कह सकते एकदम से, हैस्टी बेकार आदमी पहले से, फूल मूर्ख आदमी, चतुर्था भी मूर्ख। इम्प्रूडेंट, उसका इंटरनम्स एक इम्प्रूडेंट भी होता है, ये इस तरह से आपको पता होना चाहिए, इंटरनम से पूछता है, किसी का भी एक ही विपरीत शब्द नहीं होते, कई सारे होते हैं, इसलिए जब आता है एग्जाम में तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, वहाँ चार पांच शब्द दे देता है, तो आपको जब पता होगा सारे तो आप लगा लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल अगर देखें, बबली इज अ प्रूडेंट स्टूडेंट, बबली जो है एक बहुत ही चतुर छात्र है, ठीक है, तो प्रूडेंट मतलब चतुर, चालाक, क्लेवर, इस तरह से आप शब्दों को तैयार कर सकते हैं। सो डियर लर्नर, हमारा थर्ड वर्ड है अनवेल्ड। अनवेल्ड का क्या मतलब होता है, ये तो है वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ये थर्ड फॉर्म, थर्ड टाइप, दैट इज वर्ब, एंड इसका मीनिंग्स है रिवील, डिस्क्लोज, कोई बात है जिसको डिस्क्लोज किया जाए, रिवील किया जाए, कोई चीज़ रखी हुई बंद करके ढक करके उसको खोला जाए, दिस टाइप ऑफ द मीनिंग्स कंसर्न टू दिस वर्ड अनवेल्ड, ठीक है। इसका समानार्थी सिनोनिम्स क्या हुआ, सिनोनिम्स तो ये हैं रिवील एंड प्रेजेंट, कहते हैं ना कि भाई साहब ने बात प्रेजेंट करिए, तो वही चीज है, चीज़ों को शो ऑफ करना, शो करना, ठीक है। ये है एंटोनिम्स, एंटोनिम्स क्या होगा इसका, तो इसका एंटोनिम है कंसील एंड कवर, जस्ट समझ सकते हैं, इसका मतलब था खोलना, दिखाना, शो करना, तो जस्ट उसका उल्टा क्या होगा, बंद करना, नहीं दिखाना, कवर कर लेना, ढक लेना, तो ये कंसील मतलब ढकना, कवर करना, समझ के बात। एग्जाम्पल लेते हैं, मोदी जी हैं आपके प्रधानमंत्री जी हमारे, तो मोदीज न्यू पॉलिसी वॉज अनवेल्ड एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो हम ये एक हमने प्रयोग किया है अपने हिसाब से, जितना सारे प्रयोग कर सकते हैं, इस एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मोदी जी का नई पॉलिसी जो थी अनवेल्ड एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने अनवेल्ड हुई थी, मतलब बताई गई थी, अनाउंस की गई थी, ठीक है। तो इस तरह से तीसरा वर्ड हो गया आपका। चौथा वर्ड है आपका अशर्ट, अशर्ट, अशर्ट इसको पढ़ेंगे,
अच्छा ये वर्ब है एक, ठीक है, वर्ब के बारे में पढ़ेंगे हम व्हाट्सएप स्पीच में। इसका मतलब होता है डिक्लेयर करना, या वी हैव कॉन्फिडेंटली मतलब दृढ़तापूर्वक भरोसा करना, ठीक है, दृढ़तापूर्वक कोई बात कहना, किसी बात पे जोर देना, इस तरह की अगर कोई बात है तो वहां पे हम अशर्ट शब्द का इस्तेमाल करें तो आपकी अंग्रेजी स्ट्रांग हो सकती है। अब देखते हैं कि इसका सिनोनिम्स क्या होंगे, यानी सिनोनिम्स होता है हमारा समानार्थी शब्द, वो क्या है, वो है अफर्म। अफर्म पढ़ते होता अफर्मेशन, यानी कि वहां पे जोर दे रहे थे एकदम मतलब दृढ़तापूर्वक एकदम बड़े भयानक तरीके से, तो उसको हम अफर्म कहेंगे। मतलब कोई सिग्नल मिला उसको बोला यस, मीन्स किसी चीज को अफर्म करना, मतलब क्लियर करना। डिक्लेयर किसी चीज को घोषणा करना जैसे, ठीक है, ये सब समानार्थी शब्द में आते हैं इनके अशर्ट में। इसका विरोधी क्या होगा भाई साहब, विपरीत क्या होगा, तो इसका विपरीत जो एंटोनिम्स हैं वो डिनाय, यानी मना कर दो, नहीं जोर दे रहे हैं आप, हम नहीं करेंगे, उल्टा होगा एकदम, डिनाय कर दिया, या कॉन्ट्राडिक्ट। सो डियर लर्नर, अब हम एग्जांपल ले लेते हैं असर्ट का। सो एग्जांपल है कि गवर्नमेंट असर्ट्स दैट द कट्स इन सैलरी विल नॉट अफेक्ट एम्प्लॉयज लाइफ। अभी कोरोना से देख रहे होंगे कि सरकार भी घाटे में जा रही है, जिसके लिए सभी कर्मचारियों के अब सैलरी से कुछ पैसे काटे जा रहे हैं, उसी पर हमने एग्जांपल बनाया कि गवर्नमेंट असर्ट्स दैट, जोर देके कह रही है सरकार, दैट द कट्स इन सैलरी विल नॉट अफेक्ट एम्प्लॉयज लाइफ, जो एम्प्लॉई हैं यानी जो कर्मचारी हैं उनके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इतने से सैलरी काटने से, सरकार ऐसी सफाई दे रही है। तो सभी इस तरह से शब्दों को हम सीखें डेली, ठीक है, इन चार शब्दों को हमने आज बताया, और एक शब्द और है उस पर हम डिस्कस कर ले हैं। उसके पहले बता दें कि आज का लेक्चर 5 शब्दों का ही होगा, कल से हम प्रॉपर 10 शब्दों को लेकर आएंगे, क्योंकि इस वोकैबुलरी पार्ट में इतना बड़ा लेक्चर अच्छी बात नहीं है, इतना बड़ा वीडियो, इसलिए हम स्मॉल वीडियो बनाया करेंगे वोकैबुलरी पार्ट का, और ग्रामर का अलग से वीडियो बनाया करेंगे, लेक्चर बनाया करेंगे। तो नेक्स्ट वर्ड है उसे हम सब, मतलब कि आप सभी के लिए होमवर्क है। क्या होमवर्क है, पांचवा शब्द, हमने पांचवा शब्द यहाँ पे लिखा है, ठीक है, इस शब्द को आपको खुद करना है, इसके मीनिंग चाहे जहां से ढूंढिए, इसका अर्थ इसको पता करिए कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा शब्द है, ठीक है, इसका मतलब लिखिए अंग्रेजी में मीनिंग, और हिंदी में भी मीनिंग लिखना है आपको, और सिनोनिम्स इसका क्या होगा, समानार्थी शब्द बताने हैं, और एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, ये भी बताने हैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा बता सकें, और एग्जांपल आप अपने बना के खुद हमें कमेंट करेंगे, इसका मीनिंग बताएंगे, ये शब्द का प्रोनाउंसिएशन भी आप ही बताइए, ताकि हम देखते हैं कि कितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप सबके लिए ये पांचवा जो शब्द है वो टास्क है आप सबके लिए। आप शाम तक आज पूरा अपनी जो डाउट्स हैं आप कमेंट कर दीजिएगा, और इस वर्ड का भी पूरा जो टास्क दिया गया है, 1, 2, 3, 4, 5 टास्क हैं आपके लिए आज का, इसी शब्द से रिलेटेड आपको इसको करना है। इसका इससे करने से आपकी जो वर्ड पावर है वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि अंग्रेजी में किसी तरह की वीकनेस आप नहीं फील करेंगे। तो इसका आप लोग खुद सर्च करेंगे, जब आप मोबाइल चला ही रहे हैं, वीडियो देख ही पा रहे हैं, तो इसको सर्च ना कर पाएं ऐसा असंभव बात तो है नहीं, तो इसको आप सर्च करें। इसी के साथ आज की क्लास हम समाप्त करेंगे, तथा आप सबसे उम्मीद करेंगे कि आज का जो लेक्चर था इंग्लिश लर्निंग प्रोग्राम के तहत, उसे आप अच्छे से इंजॉय किए होंगे, इससे सबको दिखाएंगे, सब में शेयर करेंगे, सबको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स फ्रेंड्स जितने भी मोबाइल चलाने वाले मित्र हैं सबको जोड़िए, सबको इसका फ़ायदा मिलेगा। और सपोर्ट मी टू इन्हेंस द चैनल, टू एक्टिवेट इट फॉर ऑल ऑनलाइन लर्नर्स, एंड टू सपोर्ट द स्टूडेंट्स टू लर्न बाई सिटिंग एट होम ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड जय हिंद, बाय बाय।